नमस्कार, मैं उषा चैनल पे सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खोए की शाही मिठाई। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने की विधि। इसके लिए मैंने इस कटोरी से एक कटोरी सूजी और एक कटोरी मैदा लिया है। उसमें थोड़ा सा हम चुटकी भर नमक मिला रहे हैं, थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच गुनगुना घी हम इसमें मोइन के लिए डाल रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से अगर हमारे आटे का अच्छे से गोला बन रहा है, इसका मतलब मोइन बराबर है। अब इसमें दूध से हम इसका आटा, ये आटा गूंद लेंगे। ज़्यादा सख्त भी नहीं हमें बनाना है, ताकि इसमें जो हमने सूजी मिलाई है, सूजी के लिए उसे भीगने के लिए थोड़ा सा हम इसे सॉफ्ट ही रखेंगे और आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख देते हैं। देखिए, इस तरह से आटा बन गया है। आधे घंटे के लिए हम इसे रखते हैं, तब तक खोए का सारण बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 चम्मच गेहूं का आटा लिया है, 1 से 1.5 चम्मच घी लिया है। इसमें अब इसे हल्का गुलाबी रंग आने तक हमें इसे भून लेना है। आप गेहूं के आटे के जगह सूजी भी ले सकते हैं। अब इसमें कद्दूकस कर लिया, सूखा नारियल इसे भी भून लेना है, ड्राई फ्रूट्स, यहाँ मैंने काजू बादाम मगज़ भी, आप अपने हिसाब से पसंद से कौन से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी हमें थोड़ी 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेने हैं। आधा चम्मच खसखस, थोड़ा सा चिरौंजी ये भी मैंने लिया है। ये देखिए, एकदम मस्त सारे ड्राई फ्रूट्स नारियल हमने भून लिए हैं। अब इसमें खोया, एक कटोरी, छोटा कटोरी खोया मैं इसमें मिला रही हूँ। फ्रीज में था इसलिए थोड़ा सख्त है, भूनने के बाद थोड़ा पतला हो जाएगा, फिर गाढ़ा होने तक हमें इसे भून लेना है। खोया भी 2-3 से 4 मिनट तक हम भून लेते हैं। देखिए, गैस बंद कर दिया है मैंने, थोड़ा सा ठंडा भी हुआ है मिश्रण। अब इसमें पाउडर शक्कर मैं मिला रही हूँ, जितना मिश्रण है उसकी आधी हमें शक्कर मिलानी है। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो शक्कर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। शक्कर मिला लेते हैं खोए में, जब गर्म है तब हम नहीं मिलाएंगे शक्कर, क्योंकि वो पिघल जाती है, इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद शक्कर मिलाई है। इसमें थोड़ा से किशमिश भी हम ठंडे होने के बाद ही, मिश्रण को ठंडे होने के बाद ही मिला लेंगे। मिश्रण तैयार है, अब चाशनी हम बना लेते हैं। इसके लिए मैंने छोटा कटोरी शक्कर लिया है और आधा कटोरी से ज़्यादा पानी मिलाया है इसमें। अब इसकी हमें गाढ़ी चाशनी बनानी है, जैसे हम जलेबी के लिए बनाते हैं या फिर रवे के लड्डू के लिए बनाते हैं, उसी तरह से गाढ़ी बनानी है। पानी में आप एक बूंद डाल के भी चेक कर सकते हैं, अगर पानी में नहीं घुलती है तो चाशनी तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा जलेबी का रंग मैं मिला रही हूँ, इससे हमारी मिठाई को अच्छा रंग आएगा। ये देखिए, गाढ़ी बन गई है। गैस बंद कर दिया है, ये आटा लिया है। अब इसे थोड़ा सा सॉफ्ट बनाते हैं। थोड़ा सा मैंने लिया है, मिठाई बनानी शुरू कर देते हैं। अभी
मिश्रण भी तैयार है, चाशनी भी तैयार हो गई है। इस तरह से छोटी छोटी गोली बनाई है मैंने आटे की। अब पूरी की तरह इसे बेल लेते हैं। ये देखिए थोड़ी सी मोटी लग रही है तो थोड़ा सा पतला करते हैं इसे, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। इस तरह से तैयार होंगे और किसी भी आकार की कटोरी से इसे एकदम गोल आकार देते हैं। सूजी और मैदा हमने दूध में आटा गूंद लिया था, बहुत ही मुलायम बना है। आधे घंटे के लिए हमने इसे भीगने के लिए भी रखा था। ये देखिए इस तरह से खोए का मिश्रण जो है एक एक पूरी पे हम रख देते हैं थोड़ा सा दबा के। इस तरह से रखा है और दूसरी एक एक पूरी बाजू में थोड़ा सा दूध लगा के इस पे रख देते हैं और अच्छे से दबा के इसको पक्का कर लेते हैं। दोनों पूरियाँ एक दूसरे से अच्छे से चिपक गई हैं, लॉक भी हुई है। फिर एक बार इसे थोड़ा सा दबा के थोड़ा सा दूध लगा के इस तरह से इसे मोड़ लेना है। देखिए शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन प्रैक्टिस के बाद बहुत इजीली आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिखते हैं लेकिन ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी है, प्रैक्टिस से हो जाएगी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। एक और देखते हैं, ये देखिए इस तरह से कहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। पहले मैंने मोड़ लिया है और एकदम सामने का जो हिस्सा है उसे भी इस तरह से मोड़ लेना है। बहुत ही आसान है, जैसे जैसे आप बनाएंगे आपको आदत हो जाएगी और एकदम मस्त बनेगा। अब इसी सारण से, इसी मिश्रण से दूसरी मिठाई बनाते हैं। इस तरह से मैंने आटे की बड़ी रोटी बेल ली है, उसको अब चौकोन में काट लेते हैं। चौकोन आकार में अगर आपको जो पहले हमने बनाई वो नहीं आती है तो इस तरह से भी बढ़िया मिठाई आप बना सकते हैं। मिश्रण तो एक ही है बस आकार अलग है। इस तरह से मिश्रण रखा है, पूरी की एक साइड फोल्ड कर दी है, दूसरी साइड में थोड़ा सा दूध लगा के इसे पक्का कर लेते हैं। ये बाजू भी पक्की कर लेनी है दोनों बाजू, और एक के ऊपर एक इस तरह से रखनी है। इसे हम खोए का लड्डू या फिर खोए की लवंग पेटी भी कह सकते हैं, क्योंकि अब इस पर मैं ये लवंग रख रही हूँ। लवंग से हम इसे लॉक कर देते हैं। बड़ा है इसलिए मैं दो लगा रही हूँ, छोटा है तो एक ही लवंग काफ़ी है। ये देखिए खोए की लवंग पेटी, खोए की चंद्रकला और लवंग पेटी दोनों तैयार हैं। अब दोनों मिठाई हल्का गुलाबी रंग आने तक डीप फ्राई कर लेते हैं। अब बहुत सारे त्यौहार भी आ रहे हैं, हर एक त्यौहार के लिए क्या बनाएं। तो खोए की ये चंद्रकला और लवंग पेटी आप बना सकते हैं, बहुत ही मस्त शाही मिठाई। किसी के यहाँ देनी है, कोई भी छोटा बड़ा प्रोग्राम है, आप ये मिठाई बना सकते हैं। शाही मिठाई, खोए की शाही मिठाई बहुत ही मस्त
ये देखिए बढ़िया कलर आया है। ऊपर का जो इसका कवर है अच्छा कुरकुरा बनना चाहिए इस तरह से। अब लवंग पेटी भी डीप फ्राई कर लेते हैं। आज मैंने खोए का स्टफिंग के लिए मिश्रण बनाया था। आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स शक्कर का भी बना सकते हैं, सूखा नारियल, ड्राई फ्रूट्स और शक्कर का, उसका भी बहुत बढ़िया स्वाद आता है। या फिर तैयार मिठाई, पेड़े की मिठाई जो होती है बर्फी या पेड़ा, उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाइए, सूखा थोड़ा सा सूखा नारियल, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा भून के पेड़े में मिला लीजिए, थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिए और इस तरह से आसानी से आपका स्टफिंग के लिए मिश्रण तैयार हो जाएगा। अब चाशनी में इसको इस तरह से चाशनी लगा लेते हैं एक एक करके। याद रखें चाशनी हमारी एक मस्त गाढ़ी होनी चाहिए ताकि ठंडी होने के बाद ये सूख जाए। सूखने के बाद ये इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो इस तरह से केवल ऊपरी हिस्से को भी आप इस तरह से चाशने लगा सकते हैं, नीचे का हिस्सा ऐसा ही रखा है और सिर्फ ऊपर चाशनी रखी है। जब ये ठंडी हो जाएगी सूख जाएगी चाशनी। ये देखिए हो गई है, उस पर ड्राई फ्रूट से उसे सजा लिया है, ठंडे होने के बाद सूख जाएगी चाशनी, एकदम बढ़िया मिठाई। और ये खोए की लवंग पेटी, अगर चाहे तो इसे भी चाशनी में आप डुबो के रख सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। तो चलिए इस रक्षाबंधन को आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, तब तक सभी को नमस्ते।